तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। और गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके भी कंप्यूटर या लैपटॉप में कुछ इस तरीके से जो एरर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, स्क्रीन जो शेयर नहीं हो रही है, तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, वो भी बहुत ही आसानी के साथ। ठीक है, तो बहुत ही आसान प्रोसेस बताने वाला हूं, जिसको अगर आप फॉलो करते हो और वीडियो को पूरा देखते हो तो आप बहुत ही आसानी के साथ जो है इस प्रॉब्लम का सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो बिना ज़्यादा देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आप जो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। तो उससे पहले आप अपने चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको राइट क्लिक करके डिस्प्ले सेटिंग जो होती है आपको वहाँ पर चले जाना है। ठीक है, जैसे आप डिस्प्ले सेटिंग जाएंगे उसके बाद आप नीचे जाना और उसके बाद आपको यहाँ पर देखने मिलेगी एडवांस डिस्प्ले सेटिंग। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप एडवांस डिस्प्ले सेटिंग पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप नीचे आपको डिस्प्ले एडैप्टर प्रॉपर्टीज़ इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर इसका इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको दिखाई देगा ड्राइवर का ऑप्शन। ठीक है, जैसे आप ड्राइवर में जाएंगे उसके बाद नीचे आपको मिलेगा यहाँ पर अपडेट ड्राइवर। ठीक है, इस पर आपको चले जाना है। ठीक है, जैसे आप अपडेट ड्राइवर में जाएंगे उसके बाद आपको सर्च यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ कुछ समय बाद इस तरह से सर्च करने लगेगा और आपका जो ड्राइवर है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और तब तक आपको क्या करना है, आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप का जो वाईफाई जो भी है वो आपको ऑन कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपको इंटरनेट से कनेक्ट कर लेना है। चलिए देख बने, मेरा भी नीचे जो है इंटरनेट से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो क्या जाकर वीडियो चलिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा जाते टाइम अगर ये हो जाता है। ठीक है, तो जैसे आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर वाईफाई जो यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है, उसके बाद ये जो मेरा जो ड्राइवर है वो भी यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो आपका जो भी ड्राइवर जो वगैरह इसमें मिसिंग होते हैं वो यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जब तक ये डाउनलोड कम्प्लीट होती है तब तक हम थोड़ा वेट करते हैं, और ये बहुत ही कम समय लगेगा जिसके अंदर ही आपका जो ड्राइवर या जो भी डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख पाएंगे मेरा थोड़ा बहुत यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, और अगर वीडियो आपको ना बिल्कुल थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, अगर आपके कोई काम आएगा तो आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। ठीक है, क्योंकि इसी तरह के जो कंप्यूटर के जो एरर या लैपटॉप के जो एरर है उसके बारे में वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, तो उन सभी का जो प्रॉब्लम है वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी या सॉल्व है जो प्रॉब्लम का वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। ठीक है, तो कैसे अगर इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप देख पाएंगे मेरा जो यहाँ पर डाउनलोड है वो यहाँ पर हो रहा है, तो चलो इसको डाउनलोड होने देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, अगर ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला, ये एक या दो मिनट का टाइम लेगा आप में। ठीक है, तो ये मेरा वे हो रहा है। ठीक है, तो आपको तब तक आप कुछ भी नहीं करना है, ना आपको उसको कट करना है ना कुछ करना है, इसको सिंपली होने देना है। ठीक है, सिर्फ अपना वाईफाई छोड़ दीजिएगा और आपको जो इंटरनेट है वो भी छोड़, जिस हिसाब से आपकी इंटरनेट स्पीड होगी उस हिसाब से ये डाउनलोड हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं, इससे 40 या 50 MB का ऐसा कुछ होगा डाउनलोड। देखिए मेरा जो डाउनलोड हो चुका है मेरा, क्योंकि इंटरनेट स्पीड स्लो है इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगा है। अगर आपकी इंटरनेट स्पीड अच्छी होगी तो ये अच्छी जल्दी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये इस तरह से कुछ इंस्टॉल भी आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में इंस्टॉल भी हो जाएगा। ठीक है, तो देख पा रहे हैं इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, और उसके बाद आपको जैसे आप इंस्टॉल होगा आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको उसको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को ये रिस्टार्ट करने को बोलेगा। ठीक है, तो सब आपको जो भी आपने विंडो ओपन किया उस सबको कट करके आपको क्या अपने फ़ोन या सॉरी कंप्यूटर या लैपटॉप को आपको रिस्टार्ट कर लेना है। ठीक है, तो जैसे आप रिस्टार्ट करेंगे, तो मैंने कैसे रिस्टार्ट कर लिया और अब मैं आपको बाद में दिखा रहा हूँ। ठीक है, और देख पा रहे हैं मेरे जो यहाँ पर प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है और आपकी भी जो प्रॉब्लम है वो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो चली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।